एविक्शन के बाद मिलिंद गावा का पहला रिएक्शन आया है सभी के सामने। आखिरकार मिलिंद अपनी एविक्शन को लेकर क्या कह रहे हैं? क्या मिलिंद ने कहा बिग बॉस है बायस्ड? क्या उनका एविक्शन है अनफेयर? क्या है पूरी खबर? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं स्निग्धा, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर। आपको बता दूं कि बिग बॉस OTT से कंटेस्टेंट मिलिंद गावा और अक्षरा सिंह का उस रात डुअल एविक्शन हुआ और ऐसे में डबल एविक्शन के शिकार हुए मिलिंद गावा और अक्षरा। ऐसे में मिलिंद अब एविक्शन के शिकार होने के बाद उनके रिएक्शंस आ रहे हैं सामने। मिलिंद ने अपने तमाम दर्शकों, अपने तमाम फैंस, अपने तमाम फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स को थैंक यू कहा है। मिलिंद का कहना है कि आप अपने बिजी स्केड्यूल्स में से आपने हमें टाइम दिया, आपने हमें देखा, हमें पसंद किया, हमें वोट्स किए, इसके लिए थैंक यू सो मच गाइस। जिस तरीके से आपने मुझे सपोर्ट किया है, बस ऐसे ही आगे भी सपोर्ट करते रहो, क्योंकि आगे आने वाले समय में भी मैं आपको उतना ही एंटरटेन करता रहूँगा जैसे अब तक करता आया हूँ। आपको जैसे अब तक गाने के साथ बिग बॉस के घर में एंटरटेन किया था, अब मैं नए नए गाने के साथ आपको बाहर से एंटरटेन करूँगा। तो यहाँ पर मिलिंद गावा काफ़ी आपको बता दूँ कि एंथुजियास्टिक और एनर्जेटिक अंदाज में नज़र आ रहे हैं और फैंस को तहे दिल से थैंक यू, शुक्रिया अदा कर रहे हैं जिस ह्यूज क्वान्टिटी के साथ फैंस ने उन्हें सपोर्ट किया है इसके लिए। ऐसे में अब मिलिंद गावा काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं और क्योंकि फाइनली घर से निकल चुके हैं, अब मिलिंद अब अपने बैक टू नॉर्मल लाइफ में आ चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि घर के अंदर काफ़ी वो मिस भी कर रहे थे अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया को, प्रिया बेनीवाल को, और अब जाकर वो अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया से भी मिलेंगे। हालांकि वो उनकी गर्लफ्रेंड ही मंगेतर थी और बहुत जल्द ये दोनों शादी भी करने वाले थे। तो आखिरकार आगे प्लान्स ये भी हो सकते हैं कि बहुत जल्द हमें मिलिंद और प्रिया बेनीवाल की शादी की खबरें सुनने को मिले। सो वेल गाइस, क्या है आपका कहना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलिंद गावा के एविक्शन को लेकर आपके क्या है रिएक्शन, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। तमाम बॉलीवुड और TV दुनिया से जुड़ी हर एक खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।